देखिए हमारे पास में ये सिस्टम गिवन है, ब्लॉक ए है और ये है ब्लॉक बी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सारे स्प्रिंग पुली के सिस्टम गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए ब्लॉक जो है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज 5 मीटर पर सेकंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फाइंड बीबी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, बी ब्लॉक की आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। चलिए राइट कीजिए, देखिए क्या होगा आगे बढ़ा के, देखिए आगे बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है। देखिए ब्लॉक ए है उसमें हमने क्या किया, ये ब्लॉक ए है इसे हमने एक्स आगे बढ़ाया, एक्स आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला पार्ट भी एक्स आगे बढ़ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। अब जब ये मान लो इसे एक्स आगे बढ़ाए ये वाई बढ़ेगा, तो ये वाई कितना एक्स होगा ये चेक करना है। जब हम इसे आगे लेकर के जाएंगे ये देखो ये लेंथ बढ़ेगा एक एक्स, यहाँ से भी लेंथ बढ़ा टू, यहाँ से लेंथ बढ़ा एक्स टू एक्स, ये आ गया एक्स, ये हो गया एक्स, रस्सी कितना बढ़ रहा है आगे ये देखना, और साथ ही साथ ये जो है ये भी इतना कहाँ बढ़ जाएगा एक्स बढ़ेगा। तो कितना स्ट्रिंग आगे बढ़ा है कितना x x 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम ये ब्लॉक x आगे बढ़ता है ये y कितना ऊपर जाएगा 6x, तो ये वाला नीचे आएगा और ये इसको हम आगे ये बताएं ये हमने आगे बढ़ाया इसको, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये रस्सी x खींचेगा, यहाँ पर 5 है 5 x आगे खींचा, ये छठा वाला छठा x आगे खींच लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे आ गया y equal to 6x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका velocity, velocity of b along y axis यानी ऊपर perpendicular direction में क्या हो गया 6 into velocity of a यानी 6 into 5 कितना हो गया 30 meter per second। ले अब ये क्या ऊपर जाएगा 30 meter per second, लेकिन आगे कितना आएगा velocity of b along x direction आगे कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड, तो नेट वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, अभी ये इसमें क्या पता चल रहा है बी के साथ में ये ऊपर जाएगा कितना स्पीड से 30 मीटर पर सेकंड का स्पीड से और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा 5 मीटर पर सेकंड से, तो इसका जो नेट वेलोसिटी होगा बी बी इक्वल कितना हो जाएगा रूट अंडर बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी पाई का स्क्वायर, तो बी बी एक्स का स्क्वायर क्या हो गया 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 925 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर 925 मीटर पर सेकंड। तो सर ये कहना चाहिए वेज ये है ब्लॉक बी है ये उस स्पीड से कनेक्टेड है, अब क्वेश्चन ये कि ए जो ब्लॉक ए जो है कैपिटल ये वेज जो है ये एक्सीलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है, तो आपको एक्सीलरेशन ऑफ बी फाइंड करना है, बी का क्या एक्सीलरेशन होगा इसको फाइंड करना है। चलिए एक बार सोचिए कोशिश कीजिए, सर ए एक्सेलरेशन से ही मूव करेगा ब्लॉक बी।
एक्सेलरेशन ही होगा बी का, नहीं थोड़ा सा तो चेक कर लीजिए आप एक्सेलरेशन टू ए, क्या टू एक्सेलरेशन से मूव करेगा क्या? हाँ बी जो है टू ए से ऊपर की तरफ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन तो टू ए भी नहीं है, लेकिन टू ए सही है तो ऊपर की तरफ टू ए से जाएगा। अब नेट एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना चाहते हो तो कर लीजिए, जब टू ए आ गया तो आगे भी आ जाएगा। लेकिन ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो x स्ट्रिंग x आगे खींचा गया, यस सर। अब ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आगे चला जाना चाहिए ना, क्योंकि वो ऊपर से उसे हमें खींच, सुनो इधर अपन इसको पकड़ के खींच रहे, सोचिए अब ऐसे पकड़ के खींच रहे, पूरा का पूरा ए पर आगे आ रहा है, अब ए यहां पर आ गया है, ठीक है, मान लो ए जो इस लाइन पर आ गया है, तो आप देखो ये जो पॉइंट है यहां पर आ गया, ये पुली कहां पर आ जाएगा, कुछ यहां पर आ जाएगा, तो ये यहां से यहां तक आ गया, एक्स आगे खींचा, yes. तो स्ट्रिंग में कितना ये हुआ, ये एक्स आगे बढ़ा स्ट्रिंग और ये एक्स आगे बढ़ा टू एक्स, तो बी कितना ऊपर जाएगा टू एक्स, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, वाई इक्वल टू टू एक्स हो गया, तो यहां से क्लियर पता चल गया कि जब एक्सेलरेशन ए है तो बी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा टू ए, जब ए का जब कैपिटल ए का एक्सेलरेशन ए है तो यहाँ बी जो बॉडी है उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा टू ए। अब हमें बी का नेट एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो सोच करके देखो ये ऊपर भी जाएगा इस डायरेक्शन में भी जाएगा, तो बी का नेट एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, बी क्या है टू ए की तरफ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया हुआ है थीटा किसी इंस्टेंट पर, इस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन हो गया टू ए कॉस थीटा प्लस ब्लॉक के ऊपर स्थिति 2a cos theta प्लस a, और अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 2a sin theta, अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 2a sin theta, तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा b का, जो नेट एक्सेलरेशन होगा तो रूट अंडर हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस 2a तो क्या हो जाएगा 9a, कितना हो जाएगा देखें, अच्छा 4a² cos² θ + 4a² sin² θ कितना हो जाएगा 4a², तो क्या आंसर cos square ये कॉमन लेंगे यहां 4a² a² तो a के बीच में क्या हो जाएगा रूट अंडर 5a² + 2a² cos theta, a को बाहर निकाल लेंगे रूट अंडर क्या बचेगा 5 + 2 cos theta, आंसर हो गया एक तरह 2 नहीं होगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2a भी cos theta होता है ना, 2a हो जाएगा 2 cos theta 4 होगा, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, मैं बता दूं कैलकुलेशन कर दूं,
कैलकुलेशन कर दो क्या रहा है इसको ये नोट डाउन कीजिए और खुद से कैलकुलेशन करते जाइए पूरे ऑफ पिकअप लेंथ के कैसे हो जाएगा पूरे पर देखो ये से एम कुछ आ रहा है और ये 2a सुपर का किसका कंपोनेंट इधर के 2a कॉस पिकअप तो अपने वाले की वजह से 2a कॉस था और जिसके ऊपर बैठा है वो फुल a से जा रहा है तो कितना हो गया 2a कॉस पिकअप प्लस a चलिए नोट डाउन हो गया यस सर चलिए अच्छी बात है आप जो नेक्स्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं देखो ये जो हमने पढ़ाया बता दे तो अभी तक जो हमने पढ़ाया वो किसी भी तरीके से आपके बोर्ड के लिए यूजफुल नहीं है ठीक है इससे बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं आएंगे लेकिन आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठिएगा जेई के लिए या नीट के लिए बहुत यूजफुल है जो भी अभी हमने पढ़ाया जेई एडवांस के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस के लिए उसके बाद जेई मेंस के लिए आता है जेई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेई मेंस को काफी बार देखे गए और जब जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो नीट के लिए अपने आप इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि बहुत बार ये नोटिस किया गया है कि बहुत सारे जेई के पहले के क्वेश्चन उठा करके नीट वाले डायरेक्ट पूछ लेते हैं तो जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं कि कोई सिलेबस के बाहर की बातें हैं ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्कूल्स के टीचर कभी नहीं पूछेंगे अब आगे हम देखने जा रहे हैं वो सबके लिए बराबर इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है? देखिए अभी तक हमने पढ़ा है कि मोशन जो हमने पढ़ा है कि किसी भी स्पेस में क्वांटिटी क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ा है मोशन का, अब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी बॉडी कोई भी बॉडी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है। किसी ने पूछा कि क्यों कर रहा है? सिंपल सी बात है, क्यों कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेटेड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डीएक्सीलरेट, कुछ तो रीजन रहा होगा। ये रीजन कहां से आ रहा है? उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अब हम फोर्स के बारे में डिटेल एनालिसिस पढ़ेंगे कि ये फोर्स क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं फोर्स का, उसके बाद न्यूटन्स लॉ के ऊपर आएंगे, इनर्शिया के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स क्या है, बताइए कोई डिफाइन कर सकते हैं फोर्स को? डिफाइन कीजिए नॉर्मली। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स क्या? पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, किसने स्टेटमेंट दिया ये बताओ? मैं नाम जानना चाहता हूँ, ऐसे सही भी हो सकता है। अंचित, अंचित देखिए चलिए ठीक है, ठीक है। आपने बोला पुश और पुल, सही तरह से बस थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। अब ये है, हमने इसे धक्का दे दिया तो आप क्या कहेंगे ये फोर्स है? आपने बोला पुश, धक्का देना है खींचना, या तो हमने इसे खींच लिया तो हमने क्या कहा फोर्स लगा। हम ये देखिए इधर ये दीवार है, हम इसके ऊपर पूरा फोर्स, दीवार के ऊपर पूरा फोर्स लगा रहे, ठीक है? हम इसे धक्का नहीं दे पा रहे, ठीक है? तो क्या ये फोर्स नहीं है? फोर्स है तो जब दोनों तरफ से इंटरेक्शन होगा क्या? तो दोनों तरफ से फोर्स एक्सर्ट होगा, वो तो अलग बात है, लेकिन फोर्स पे एक्सर्ट हो रहा है ना, फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है? तो अपने डेफिनेशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, टेंडेंसी, उसमें एक और वर्ड लगा दीजिएगा, टेंडेंसी ऑफ पुश और पुल, मतलब हमारी इच्छा रहनी चाहिए, टेंडेंसी क्या पुश करने की होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि हम उसे पुश कर रहे। अब हम किसी दीवार के ऊपर फोर्स लगाएंगे, हमारी टेंडेंसी है उसे धक्का देने की, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं, उसे नहीं उसके पोजीशन से दिला पा रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं। दूसरे डेफिनेशन ये हम बोल सकते हैं, द पुश और पुल बीच कैन कॉल्ड चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। थोड़ा मुश्किल रहा है स्टैंडर्ड, ये बढ़ाएंगे तब ना कहेंगे कि बीच कॉल चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन या तो टेंडेंसी ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। अब सिंपल सी बात है, किसी को धक्का देते हैं खींचते हैं तो क्या करते हैं, वो जिस कंडीशन से उसके कंडीशन को चेंज करने का कोशिश करते हैं। जैसे ये रहा मानकर हमने इसे खींचा अपनी तरफ, तो क्या एक तरह से हम इसके स्टेट को चेंज कर रहे हैं ना, पहले रेस्ट में रखा हुआ था, अब क्या इसको वेलोसिटी दिया हमने, आप पीछे की तरफ खींचा तो वेलोसिटी दिया, आज उसके कंडीशन को चेंज कर रहे हैं। चलिए आज से आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, बहुत लोगों के मन में बहुत ही खुशी होगी, अंचित तो सोच रहा है बस क्या लोगों के, लेकिन पढ़ लीजिएगा, ऐसे ऐसे आईपीएल आते हैं चले जाते हैं, खुशी तो हमें भी है, ठीक है? और आपकी कौन सी टीम है जानते हो? कौन सी टीम है बताने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा सीएसके, सीएसके देखो रांची वाला धोनी बस बस हो गया, धीरे थोड़े थोड़े इंटरवल में बात करते रहेंगे, जब तक आईपीएल चलेगा तो टेंशन मत लीजिए, आपको बोर नहीं होइएगा। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पर मैं क्लास में बातें करता हूँ, जिसमें से क्रिकेट है, ठीक है? तो अब देखिए क्या होता है, जब कोई बैट्समैन शॉट लगाता है बॉल क्या बहुत तेजी से जा रहा होता है, तो उसको प्लेयर जब पकड़ता है क्या करता है, उसको रोकता है, फोर्स लगाता है ना, उसको जब वो पकड़ता है क्या वो अपनी तरफ से फोर्स लगाया, उसके स्टेट को रोकने का कोशिश किया, पहले स्टेट क्या था उसका मूव कर रहा था, तो उसके बाद कोई प्लेयर आकर के उसको रोका, हाथ लगाया उसको रोका, तो क्या अपने तरफ से फोर्स एक्सर्ट किया? तो कंडीशन ही है कि टेंडेंसी होनी चाहिए, ठीक है? सिंपल हम बोल सकते एक तो एक तो डेफिनेशन लिखे थे टेंडेंसी ऑफ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। यस सर,
ठीक है ठीक है नेक्स्ट लिखिए इसके एक और डेफिनेशन पुश और पुल व्हिच कैन कॉज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन पुश और पुल व्हिच कैन कॉज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ठीक है चेंज इज कॉल्ड फोर्स ठीक है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन स्टेट ऑफ मोशन अब हमारे पास आपके दिमाग में होता है कि स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है तो अब हमारे दिमाग में होता है स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है स्टेट ऑफ मोशन किसे कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है वेलोसिटी ठीक है जब कभी भी आपको स्टेट ऑफ मोशन के बारे में बोला जाए तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज के बारे में बोला जाता है समझ लीजिए उसके वेलोसिटी चेंज के बारे में बोल रहा है और फोर्स मेनली क्या करता है वेलोसिटी को चेंज करता है ठीक है जैसे कि बॉल रखा हुआ है आपने उठाया उसे थ्रो कर दिया तो उसका स्टेट चेंज कर दिया आने को पहले वो रेस्ट में रखा हुआ था आपने उसे थ्रो करके उसमें क्या दे दी कुछ वेलोसिटी दे दी ठीक है इसके इस डेफिनेशन के हेल्प से हम आगे बढ़ चुके थे कि अब हमारा कंट क्या कि एक चीज से दूसरी चीज इंटरलिंक रहेगी आप लोग 11th क्लास में आ गए बड़े हो गए ठीक है अब क्या है कि पुश और पुल बीच के पर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड फोर्स तो अब बात है यहां पर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन दैट इज वेलोसिटी चेंज के बारे में बात कर रहा तो ऑल फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी भी बेटर अब वेलोसिटी को थोड़ा देखते हैं B वेक्टर को चेंज कर सकता है B वेक्टर वेलोसिटी कैसे चेंज होता है या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए या तो आप क्या चेंज कर दीजिए डायरेक्शन चेंज कर दीजिए या तो दोनों चेंज कर दीजिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या दोनों चेंज कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा ठीक है वो क्या हो जाएगा फोर्स ऑल फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी वेक्टर अब वेलोसिटी वेक्टर कैसे चेंज होता है वेलोसिटी वेक्टर या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कीजिए या तो डायरेक्शन चेंज कीजिए आप लोगों को भली भांति पता है कि v वेक्टर क्या है v वेक्टर यानी कि वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कि जो मोशन इन प्लेन का स्पेस होने वाला उसमें वेक्टर का भी क्वेश्चन रहेगा क्योंकि 11th के सिलेबस के आधार पर देखा जाए तो वेक्टर मोशन इन प्लेन में पढ़ना है किन्हीं के पास एनसीईआरटी होगा या कोई बुक होगा फिजिक्स को पलट करके देखते होंगे तुमने दिखता होगा कि जो मोस्ट वेक्टर जो है वो मोशन इन प्लेन में पड़ता है इसलिए जब आपको मोशन इन प्लेन बोला गया तो वेक्टर एज वेल एज प्रोजेक्टाइल वेक्टर यस सर यस सर